उत्तराखंड की धर्म नगरी हरिद्वार से ब्रह्मपुरी रावली महदूद क्षेत्र से बीडीसी पद के उम्मीदवार देवेंद्र पाल ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि हमको आप सभी का सहयोगात्मक वोट चाहिए ताकि मैं तमाम समस्याओं के समाधान के लिए आपके हक की लड़ाई लड़ सकूं। उन्होंने बताया कि जल भराव बेहद गंभीर समस्या है, इससे निपटने के लिए जरूरी है कि हम सभी लोग कूड़ा नाले में ना डालकर केवल कूड़ादान में ही डालें। देवेंद्र पाल ने कहा है कि आपका सहयोग ही हमारी ताकत है। मेरा नाम देवेंद्र पाल है, मैं बीडीसी प्रत्याशी अपने ग्राम ब्रह्मपुरी रावली महदूद क्षेत्र 2 से 9 से 15 वार्ड से लड़ रहा हूं और मैं इस माध्यम से टीवी 99 न्यूज़ बंधुओं का दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं जो आप मेरे जो मुद्दे हैं उसे उठाने के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। मेरे जो गाँव के लिए अपने लोगों के लिए जो मुद्दे हैं, हमारे गाँव में आप देख रहे होंगे सबसे बड़ा मुद्दा है नशा मुक्त। जो नशा हमारे युवाओं के बीच में बढ़ रहा है आप भी देख सकते हैं और सभी युवा वर्ग 12 से 20 साल के जो युवा हैं वो नशे में लिप्त हो गए हैं। तो मेरा सबसे पहला काम ये होगा हमारा ग्राम ब्रह्मपुर रावली महदूद नशा मुक्त किया जाए। मैं शासन प्रशासन से भी लगातार गुहार लगाऊंगा और रात दिन एक कर दूंगा जो हमारा गाँव नशा मुक्त किया जाए। दूसरा जो मेरा मुद्दा रहेगा, हमारे शिव मंदिर ब्रह्मपुर रावली महदूद में एक शिव मंदिर अपना है, जो अपने शिव मंदिर के बराबर में धर्मशाला है, वो धर्मशाला इसलिए बनाई गई थी जिससे गरीब लोग उस धर्मशाला में अपने बरात ठहरा सके या कोई शुभ कार्य कर सके। लेकिन आज उसकी दुर्गति इस कदर है कि वो खंडर गृह में तब्दील हो गई है और उसमें युवा बच्चे, हमारे क्षेत्र में आंगनबाड़ी हैं जो उस आंगनबाड़ी में आज के समय कोई बैठता नहीं है। जो हमारी ये टीके लगते हैं छोटे बच्चों को या महिला को टीके लगते हैं, आपने देखा होगा ये हमारी जो गांव की आंगनबाड़ी क्षेत्र छोड़ करके रामधाम की साइड बना दिया गया है सामुदायिक छोटा सामुदायिक केंद्र, जिससे हमारे युवा छोटे बच्चे महिलाएं जो गर्भवती महिलाएं हैं थक हार के इतनी दूर पर बना दी गई हैं। नालियाँ जो हैं वो नीचे बनाई गई हैं जिससे कॉलोनी में जल भराव का कारण बना हुआ है, गंदगी का अंबार लगा हुआ है और बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं, डेंगू मच्छर मलेरिया मच्छर जो कई प्रकार के मच्छर वहाँ उत्पन्न हो रहे हैं जिससे छोटे बच्चे बुजुर्ग और युवाओं के ऊपर बहुत ही फर्क पड़ रहा है। हरिद्वार से ब्यूरो रिपोर्ट रणविजय कुमार।